हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो जो आज का वीडियो उसको शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ ना, वो बहुत सारे पीसी प्लेयर के साथ होता है। सो आप देखना वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पर हमें कोई याद कर रहा है, तो चलो उनके पास भी चले जाते हैं। हाँ, तो हमारा जो बात था वहाँ पर ख़त्म हो गया, उनका काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। तो चलो अब वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। तो वीडियो में शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना। आपको कोई सा भी प्रॉब्लम आता है ना वीडियो से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग आप एक कमेंट कर देना। सो डेली की तरह जैसे आप अपना ब्लूस्टैक्स ओपन करते हो, मैं भी अपना ब्लूस्टैक्स ओपन करता हूँ। जैसे कि आप एक पीसी प्लेयर हो तो आप जानते हो कि जो हमारा फ्री फायर गेम होता है वो एमुलेटर में चलता है। तो हम यहाँ पे ब्लूस्टैक्स 5 एमुलेटर को यूज़ करते हैं। तो ब्लूस्टैक्स 5 को यहाँ पे हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हमारे जो गेम है उसको भी ओपन कर लिया। सो गेम ओपन कर लिया, तो जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ पहले, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर आप फेसबुक आइकन पर क्लिक करते हो, जैसे आप फेसबुक लॉगिन करने का कोशिश करते हो, तो आपका एमुलेटर क्रैश हो जाता है। फर्स्ट ये प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बताऊँगा और इसका सोल्यूशन बताऊँगा। सेकेंड ये है कि अगर आप कोई भी इवेंट पेज खोलते हो ना तो वो क्रैश हो जाता है, सेकेंड ये। एंड थर्ड, अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट चेंज करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, अनदर अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो, तो उस समय वो जो है आपका एमुलेटर वो क्रैश हो जाता है और गेम भी क्रैश हो जाता है। तो फिलहाल जो हमारा गेम है वो स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा पीसी थोड़ा सा लो एंड है इसलिए वो थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारा खुल चुका है और यहाँ पे लॉगिन पेज, तो हम यहाँ पे मोर में जाके और अपना जीमेल से लॉगिन करेंगे। क्योंकि फिलहाल मैं फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो हमारा वेब पेज है या फिर इवेंट पेज है जो वेब के थ्रू खोलता है वो हमारा क्रैश हो जाता है। मोस्टली टाइम क्या होता है, हमारे जैसे हम अपने हमारे स्क्रीन के सामने जैसे आ रहा है ना, अभी देख रहे होंगे, जैसे हम अपना गेम ओपन करते हैं तो कुछ पॉपअप करके ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे इवेंट्स के, तो उस पर हमारा कभी कभी गलती से क्लिक हो जाता है और हमारा एमुलेटर क्रैश हो जाता है, जो कि वेव इवेंट्स होते हैं। तो उन सबको मतलब उन सबका सॉल्यूशन है इसमें, और वो जो चीज़ है वो आसानी से खुल जाए ना कि हमारा एमुलेटर क्रैश हो, तो उसके बारे में भी। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यार, यहाँ पर हम कोई भी एक इवेंट खोज लेते हैं जो कि हमारा वेबसाइट है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा एक हाइड आउट है, तो हाइड आउट को जैसे ही खोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग करते ही हमारा एमुलेटर क्रैश हो जाता है, और कभी कभी क्या बार क्या होता है, थोड़ी देर रुक के और यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे टाइम स्टक हो चुका है और ये फिलहाल हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है, ब्लूस्टैक्स प्लेयर है स्टॉप वर्किंग। तो आप कुछ भी क्लिक करोगे आपका एमुलेटर क्रैश होना ही होना है, वेट नहीं कर सकते, सिंपली आपको अपना एमुलेटर को बंद ही करना होगा, ऑटो बंद हो जाएगा। सो अब जैसे ऑटो बंद हो गया तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, आपका गेम तो पूरा बैक हो जाएगा। तो सर उसका जो सॉल्यूशन है ना, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो आप यहाँ पे ना पहले आप सेकंड प्रॉब्लम देख लो, सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि सेकंड प्रॉब्लम भी आप जान जाओगे तो आपको ईजिली होगा कि कैसे आप पता कर सको कि कैसे होता है। तो देखो मैं फिर से अपना गेम यहाँ पे ओपन कर लिया, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबी बन जाएगी यार, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। फिर भी वीडियो को तो लंबा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनको आपको पता होनी चाहिए। सो फिर से मैंने अपने एमुलेटर को ओपन किया और गेम यहाँ पे ओपन कर लिया, और गेम जैसे ओपन होता है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हमारा जो लॉगिन पेज है वहाँ पे डायरेक्ट खुल जाए। हमारा यहाँ पर सेटिंग्स देख लो, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा नहीं क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि आप अभी फिलहाल वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हो तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर कमेंट सेक्शन में आप उल्टी सीधे बातें लिखोगे। तो वहाँ पर आप सेटिंग को नोटिस कर लेना, क्यों मैंने नहीं बताया। तो वहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करोगे जो वीडियो के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो लॉगिन पेज खुल गया, तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं और फेसबुक पे क्लिक करते हैं, साइन इन विद फेसबुक। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वाइट स्क्रीन आएगा, एंड देन अगेन ब्लूस्टैक्स प्लेयर है स्टॉप वर्किंग। तो क्लोज प्रोग्राम कर सकते हो या फिर ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च करने पर कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा नहीं, सिंपली वो बोलेगा कि अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करें। अब देखो सॉल्यूशन, अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशन बस इसका बहुत छोटा सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपली एक ही चीज़ है, और ना उससे आपका गेम में कुछ चेंजेस आना ना कुछ भी। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पे है कि हमको सिंपली से अपने सेटिंग में चले जाए, ब्लूस्टैक्स के सेटिंग में, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्राफिक्स, थर्ड नंबर पे जो आता है। ब्लूस्टैक्स 5 की बात कर रहा हूँ, 4 में भी सेम होगा। तो वहाँ पर आपको ओपन जी एल जो है ना, ओपन जी एल को सिंपली से चेंज कर देना है डायरेक्ट एक्स में, डायरेक्ट एक्स में चेंज करके सेव चेंजेस और रिस्टार्ट नाउ। पहले से आपका ओपन जी एल में होगा, आपको उसको डायरेक्ट एक्स में चेंज कर लेना है। क्या ओपन जी एल में होगा, डायरेक्ट एक्स में चेंज कर लेना। तो मैंने यहाँ पे कर लिया और सिंपली से हमारा जो एमुलेटर वो रिस्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया, ये ना सोचना कि हमारा एमुलेटर बहुत अच्छा है, मेरा पीसी बहुत अच्छा है तो इतना जल्दी स्टार्ट हो रहा है, ऐसी बात नहीं। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया, यहाँ फिर से मैंने अपने गेम को स्टार्ट कर लिया। सो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो रही है,
तो गेम स्टार्ट हो रही है, तब तक से आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसे कर knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.